तो दोस्तों, जैसे बहुत सारी कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि आज की जो कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स है उसके क्या रिजल्ट्स आए हुए हैं। ठीक है, उस सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगा आईसीआईसी बैंक है। आईसीआईसी बैंक का क्वार्टर वन रिजल्ट सबसे बेस्ट आया है। प्रॉफिट राइजेस हुआ है 50% से ईयर इन ईयर। देखा जाए तो लास्ट टाइम पे 4,616 करोड़ का था, अभी 6,905, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एनआई जिसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, वो 21% से बढ़ गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिसकी वजह से आईसीआईसी बैंक के जो प्राइजेस हैं वो काफी अच्छा मूव्स हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो अभी आपको कैसा, अभी 789 के आसपास चल रहा है, तो 800 रुपए के आसपास चल रहा हुआ है। तो रिजल्ट देखो, रिजल्ट सब बता रहा है कि स्टॉक्स किधर पे मूव हो रहे हैं। टेक्निकली कुछ भी हो, लेकिन देखा जाए तो रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं बैंकिंग के। वहीं पे मैं आपकी बात करूं कि आईसीआईसी बैंक का भी रिजल्ट आया हुआ है, और वो भी काफी बेस्ट है। 54% से जो है रिजल्ट काफी अच्छा आया है। सो दैट मीन्स कि जो इनकी इनकम थी, ठीक है, जो लास्ट टाइम पे इनकी इनकम थी 2,677 करोड़, अभी जाके 4,118 करोड़ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बैंकिंग सेक्टर में रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, जिसके वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो लो जो 685 का था, 731 के आसपास चल रही है, तो ये एक अच्छी बात है, 731 के आसपास चल रही है। तो आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक के रिजल्ट है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि रिलायंस के भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो लेकिन और आप देखोगे जिनके रिजल्ट्स आए हुए हैं, आप देखो स्टॉक्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिजल्ट्स के पहले, तो ये एक अच्छी बात है। तो वहीं पे रिलायंस का रिजल्ट्स कुछ इस तरीके का है कि 46% जो है ईयर एंड ईयर पे जम किया है, और 54% से जो है आपका रेवेन्यू जम किया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। 46% कोई छोटा अचीवमेंट नहीं होता है, काफी बहुत मतलब इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली वर्क करना पड़ता है, और ये एक अच्छी बात है। देखा जाए तो 17,995 तक का प्रॉफिट मतलब की बनाया हुआ, जो कि लास्ट ईयर में 12,273 के हिसाब से था, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो रिलायंस के ये जो आपको मैंने सारे न्यूज बता रहा हूँ, ये एकदम सिंपल और लॉजिकल वे पे, मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि कितने टैक्सेस लगे या वो सारी चीजें नहीं बताने वाला हूँ, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि रिजल्ट में ये देखने को मिला है। रेवेन्यू जो है 54.54% से बढ़ा हुआ है, जो कि देखा जाए 2,23,000 करोड़ के आसपास में हुआ है, जो कि लास्ट टाइम पे 1,44,372 के आसपास में था। तो ये बहुत अच्छा फिगर है देखा जाए तो, और इस पे कैसा है, रिसर्चर्स भी काफी ज्यादा जो है इस पे बिलीव रखते हैं कि स्टॉक्स में आप बाइंग के लिए होल्डिंग बना सकते हो। सो गाइस, यही थे कुछ रिजल्ट अपडेट। सो ऐसे ही रिजल्ट अपडेट के लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलो आज के लिए बस, और मिलते हैं कभी और किसी अच्छे रिजल्ट्स के साथ में, अच्छे कंटेंट के साथ में। धन्यवाद।